हेलो बच्चों, आइए आज हम जानेंगे कि पौधे लंबाई में कैसे वृद्धि करते हैं। इसके लिए मेरे पास हरे मूंग के बीज हैं। इन हरे मूंग के बीजों को मैंने 3 दिन पहले भिगो कर रखा था। भीगे हुए बीजों को मैंने सूती कपड़े में बांध कर लटका कर रखे और उसे गीला रहने दिया। 3 दिन पश्चात मुझे ये अंकुरित बीज प्राप्त हुए। इन अंकुरित बीजों में से कुछ बीजों को मैंने वॉच ग्लास ए और वॉच ग्लास बी में रखा। वॉच ग्लास ए और बी के सभी अंकुरित बीजों के मूलांकुरों को मैंने इस धागे से मापा और मैं ये अभी माप रही हूँ। देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। अब इस धागे से मैं माप रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मुड़े हुए मूलांकुर है। अब इस धागे से मैंने स्केल से इसे मापा है और यह है 1 सेंटीमीटर। इसे मैं नोट कर रही हूँ। इसी प्रकार बाकी मूलांकुरों की लंबाई को भी हम माप लेंगे और सभी को इसी प्रकार नोट करते जाएंगे। हमने वॉच ग्लास बी के मूलांकुरों की लंबाई को नाप लिया है। अब वॉच ग्लास बी में रखे सभी बीजों के मूलांकुरों के अग्र सिरे को हम ब्लेड की सहायता से काट देंगे। ये मैंने अग्र सिरे को काट दिया। और इस प्रकार सभी बीजों के मूलांकुरों के अग्र सिरों को काटकर हम इसे 5 दिनों के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब 5 दिनों के बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि मूलांकुरों की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, 5 दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इन वॉच ग्लास में रखे हुए बीजों के मूलांकुरों की लंबाई में क्या परिवर्तन आया है। इसके लिए हम वॉच ग्लास ए के बीजों के मूलांकुरों को मापेंगे। वॉच ग्लास ए में रखे इन बीजों के मूलांकुरों को हम इस धागे की सहायता से माप रहे हैं। ये वे बीज हैं जिनके मूलांकुरों के अग्र सिरे को हमने नहीं काटा था। अब इसकी लंबाई देखते हैं। अरे, इसकी लंबाई में तो बहुत परिवर्तन हो गया है। ये अब 2.2 सेंटीमीटर है। इसे हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सभी बीजों के मूलांकुरों को इस धागे की सहायता से उनकी लंबाई माप लेंगे। वॉच ग्लास बी में रखे हुए बीजों के मूलांकुरों की लंबाई हम इस धागे की सहायता से मापते हैं। ये वे बीज हैं जिनके मूलांकुरों के अग्र सिरे हम काट दिए थे। इसे माप रहे हैं। ये 1 सेंटीमीटर है। पहले भी ये 1 सेंटीमीटर थे और अब भी ये 1 सेंटीमीटर है, यानी इनकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो देखा बच्चों, वॉच ग्लास ए में रखे बीजों के मूलांकुरों के लंबाई में वृद्धि हुई। इसका कारण ये है कि उनके मूलांकुरों के अग्र सिरे में कुछ ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं और जिसके कारण उनकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है। इसके विपरीत वॉच ग्लास बी में रखे बीजों के मूलांकुरों के लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण ये है कि हमने क्या किया था, उनके अग्र सिरों को काट कर अलग कर दिया था, जिस वजह से उनकी वृद्धि नहीं हुई।